हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द स्मीज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना लहसुन और प्याज की टेस्टी आलू और परवल की सब्जी। इसे घर में बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी रेसिपी पे अपने कमेंट्स जरूर लिखें। बिना लहसुन और प्याज की आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 200 ग्राम परवल ली हूँ, जिसे छीलकर अच्छे से धो ली हूँ और छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। 2 बॉयल्ड आलू मैं ली हूँ, 2 बड़े साइज के टमाटर जिसका मैं पेस्ट तैयार कर ली हूँ, सूखे मसालों में 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला का पाउडर, 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च स्लिट किए हुए, नमक टेस्ट के अनुसार यूज करूँगी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया गार्निशिंग के लिए ली हूँ, 5 से 6 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल मैं यूज करूँगी। खड़े मसालों में मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जीरा, 10 से 15 काली मिर्च और 2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे धनिया ली हूँ। मैं सभी इंग्रेडिएंट्स और उसका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। और 1 छोटा चम्मच मैं 5 फोरन यूज करूँगी। 5 फोरन बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। सब्जी बनाने के लिए मैं सबसे पहले खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट करके उसका दरदरा पाउडर तैयार करूँगी। मसालों को ड्राई रोस्ट करने के लिए मैं एक पैन को गर्म की हूँ। उसमें सबसे पहले मैं धनिया डाली, जीरा डाली और काली मिर्च मैं डाल दी। सभी मसाले को मैं पैन में डाल दी। अब मैं फ्लेम को, ये देखिए, लो मीडियम पे करके हल्की खुशबू आने तक भूनूंगी। मसालों से हल्की हल्की खुशबू आ रही है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। मसाला ठंडा हो गया है। अब मैं इसे एक खल और मुसल में डालकर इसे दरदरा कूट लूंगी। ये देखिए, मसाला दरदरा कूट ली हूँ मैं। इस तरह से मसाले यूज करेंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलूँगी। सब्जी बनाने के लिए मैं एक पैन में 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर उसे गर्म करूँगी। रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं परवल को डाल दूँगी। परवल को डालकर कुछ देर पर चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। मैं सब्जी को रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, पर बिना लहसुन और प्याज की आलू परवल की ये सब्जी रिफाइंड ऑयल में बहुत ही टेस्टी बनती है। परवल को इस तरह आधा ढककर भूने, नहीं तो ये बाहर की ओर पड़ने लगता है। और इसे कुछ देर पर चलाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन करना है। परवल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं फ्लेम को लो पे कर दूँगी और इसे निकाल लूँगी। अब जिस पैन में मैं परवल भूनी थी उसी पैन में 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर उसे गर्म की हूँ और इसमें मैं 5 फोरन डालकर इसे पकने दूंगी। 5 फोरन पक गया है। अब इसमें मैं सूखे मसाले डालूंगी। इसके लिए मैं फ्लेम को लो पे कर दी, हल्दी का पाउडर डाली, मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाली। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ज़्यादा तीखा नहीं होता है, इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और लो फ्लेम पे मैं इसे 10 से 15 सेकेंड पकाने के बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दी और अच्छे से मिक्स करूँगी। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें कद्दूकस किए हुए अदरक डालकर अच्छे से मिलाऊँगी। अब मैं इसे लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक ढककर पकने दूंगी। 2 मिनट हो गया है। 2 मिनट तक मैं मसालों को लो फ्लेम पे पका ली हूँ। अब मैं इसमें सैलो फ्राई किए हुए परवल डाल दी, दरदरा पीसा हुआ सूखा मसाला मैं डाल दी और अब नमक डाल दूंगी मैं टेस्ट के अनुसार। और इसके बाद मैं इसमें एक अच्छा सा स्टर दूंगी। अच्छा सा स्टर देने के बाद मैं फ्लेम को लो पे करके इसे ढक दूंगी और 5 से 6 मिनट तक पकने दूंगी। जब तक सब्जी पक रहा है तब तक मैं बॉयल्ड आलू को काट कर तैयार कर लूंगी। ये देखिए, मैं आलू को छोटे छोटे टुकड़े में काट रही हूँ। आप जिस भी शेप में चाहें आलू को काट कर तैयार कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट तक मैं सब्जी को पकने दी थी। मैं बीच में एक बार सब्जी को इस तरह से चला लूँगी और इसे फिर ढककर पकने दूँगी। 5 से 6 मिनट हो गया है। अब मैं ढक्कन को हटा ली। ये देखिए, सब्जी से तेल बाहर निकल आया है, मसाला भूनकर तैयार हो गया है और परवल भी ऑलमोस्ट पक गया है। अब मैं इसमें एक अच्छा सा स्टर देने के बाद बॉयल करके कट किए हुए आलू को मैं इसमें डाल दूँगी।
और अच्छे से मिक्स करूँगी। आलू और मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें गरम मसाला का पाउडर डाल दी और स्लिट किए हुए हरी मिर्च डाल दी। आप यदि तीखा कम खाना चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, पर बिना लहसुन और प्याज की सब्ज़ी में हरी मिर्च डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और मैं सब्ज़ी को कुछ कुछ देर पर चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे 1-2 मिनट तक भून लूँगी। 1-2 मिनट तक सब्जी को भूनने के बाद मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दूँगी। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा घटा या थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। मैं इसमें मेजरिंग कप से 1 कप से थोड़ा सा कम पानी यूज की हूँ और अब मैं इसे बॉयल होने तक ढक कर पकाऊँगी। ये देखिए ग्रेवी में बॉयल आ रहा है। अब मैं इसमें एक अच्छा सा स्टर दूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम को लो पे कर दूँगी और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकने दूँगी। 3 मिनट हो गया है। ये देखिए लो फ्लेम पे मैं सब्ज़ी को पका रही हूँ। सब्ज़ी कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब मैं इसमें एक अच्छा सा स्टर देने के बाद चेक करूँगी परवल पका है या नहीं। ये देखिए परवल आसानी से कट गया है। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए धनिया पत्ती छिड़क दूँगी। अब इसमें मैं बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती छिड़क दी। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है हलवाई स्टाइल। बिना लहसुन और प्याज की ये सब्ज़ी एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। और मिक्स करके मैं इसे ढककर 30 सेकेंड तक पकने दूँगी ताकि धनिया पत्ती का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। 30 सेकेंड हो गया है। मैं फ्लेम को बंद कर दी। बिना लहसुन और प्याज की आलू और परवल की सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। बिना लहसुन और प्याज की हलवाई स्टाइल आलू परवल की सब्ज़ी बनकर तैयार है। मैं इसे धनिया पत्ती से गार्निश की हूँ। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।